कोई बोलेगा बाहर तो पहले वाला वीडियो कर दिया करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लास्ट में तो हम होगी अल्लाह कल सत्यनारायण पहलवान मठिया कॉलेज आगे में स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। अखाड़ा को सलाम और ये अखाड़ा है। नहर विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि नहर विभाग ने सही तरीके से इस अखाड़े का कार्यक्रम समापन कराया। कहने का तात्पर्य यह है कि भैया अगर इस नहर में पानी रहता तो शायद ये अखाड़ा नहीं हो पाता और नहर में ही यहाँ अखाड़ा होते चलाया है। और मैं आपको बता दूं विगत कई वर्षों से यहाँ जो है दंगल का कार्यक्रम आयोजित होता है और यही कृतपुरा ग्राम सभा में जो जनपद कुशीनगर कप्तांग विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत आता है जन होते हुए मिलेंगे आयोजनकर्ताओं से बात करेंगे इस दंगल के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, आज के दंगल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दंगल के लिए यही कहना है कि मैं इस दंगल का कार्यक्रम बहुत पहले से करा रहा हूँ। जी जी, और ये जब से मैं शुरू किया हूँ मजमा चैलेंज पर जब 5 रुपया का बंडी दिया जाता था तब से मैं इस दंगल का शुरू किए हैं। आज ये 53 साल हुआ और 11,000-15,000 का जोड़ कराते हैं। आज ही जो है दिल्ली मेरठ बनारस गोरखपुर खजनी महाराजगंज देवरिया कुशीनगर बरहलगंज हर जगह के चौरी चौरा कौड़ी राम हर जगह के पहलवान लगभग 40-50 जोड़ दंगल हुआ है। हम ये पहलवानों का जो है हौसला बढ़ाने के लिए ये कार्य को करता हूँ। जनता का और गांव का सहयोग से ही और क्षेत्र के सम्मानित लोग के द्वारा जिसको हम कराते हैं और सब जनता को और क्षेत्र के सम्मानित लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ कि बड़े शांतिपूर्वक दंगल का कार्य जो है। नहर विभाग को क्या कहना चाहेंगे? नहर विभाग तो मैं हमें जो है चेतावनी दिए थे कि प्रधान जी नहर में दंगल नहीं कराना है। मैंने कहा भैया आपके ऊंचे अधिकारी से मैं बात कर लूंगा लेकिन दंगल तो भाई दूसरा जगह तो है नहीं, दंगल तो वही होगा। यानी कि बढ़िया से संपन्न हो गया। नहर विभाग को धन्यवाद देना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भैया इस ग्राम सभा में जगह रही है। बात करेंगे प्रधान जी, चूंकि आपकी जानकारी के हिसाब से 53 सालों से यहाँ आयोजित होते चला आया दंगल, लेकिन देखा जा रहा है कई वर्षों से इस नहर के द्वारा ही नहर में ही इस दंगल का कार्यक्रम आयोजित होती है। अगर दुर्भाग्य से इस नहर में पानी होता तो दंगल तो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, नहीं दंगल होगा लेकिन नहर के इसी थोड़े बगल में 25 मीटर के बगल में नहर की ही जमीन है, अंदर के बाहर है, नहर के ही जमीन है। जानना चाहेंगे लगभग 53 वर्षों में क्या ग्राम सभा में कुछ ऐसी जमीनें नहीं रही कि वहाँ दंगल का कार्यक्रम आयोजित हो ग्राम सभा के लिए? ऐसा है, विद्यालय पर दर्शक चढ़ जाते हैं, नीचे लोग बैठते हैं, जब कोई पहलवान पटकता है तो तालियां बजाते हैं लोग, उसमें भय होता है कि ऊपर से जो लिंटर गिरेगा तो नीचे भी लोग मारेंगे ऊपर मार जाएंगे। यानी कि चलिए दंगल के लिए बहुत ही सुरक्षित स्थल है और ये नहर। हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, क्या कहना चाहेंगे सर? आज मुख्य अतिथि रहे आप इस दंगल कार्यक्रम का। इस और रही कृतपुरा ग्राम सभा में जो 53 वर्षों से जो कार्यक्रम हमारे पूर्व प्रधान जी करा रहे हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ के नगरवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी यहाँ कार्यक्रम होता है दंगल का तो यहाँ के पूरे क्षेत्र के निवासियों द्वारा शांतिपूर्वक आना के दंगल का आयोजन किया जाता है। इसके लिए पूरे क्षेत्र के वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
हमारे साथ जुड़ेंगे अभी संचालन कर रहे जो परिचय के मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं हरिकृष्ण पांडे जी जो वरिष्ठ पत्रकार है। सर, हम जानना चाहेंगे आज के दंगल को लेकर क्या कहना चाहेंगे, सभी खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं जी। लेकिन जो यह जुनून है हमारे पूर्व ग्राम प्रधान रामाज्ञान निषाद जी का, वह बहुत अद्भुत है। और इसमें जो इनकी टीम है, कमेटी है, सभी लोग जो जिस लायक है उतना सहयोग करता है, और इनके इस साहस को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो जिस तरह से इसमें गतिरोध भी उत्पन्न करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन यह है कि अपने समरसता के वजह से यहाँ किसी का कहीं कुछ चल नहीं पाता है। और यहाँ अंतर्राज्यीय स्तर के कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले जितने भी पहलवान हैं यहाँ प्रतिभाग करते हैं, बहुत शानदार। आप देखे भी हैं, 10,000-10,000 रुपये, 12,000-12,000, 15,000-15,000 रुपये जोड़ की कुश्ती यहाँ होती है। तो हम इनके साहस को प्रणाम करते हैं, हम सभी लोग सहयोग करते हैं, लगे रहेंगे। और इसके लिए एक बार मैं ये चाहता हूँ कि पूरा ये सदन इनका अभिनंदन करे, ताली बजाकर प्रधान जी का, कि इनका जोश और इस तरह से ये जिंदा दिली बनी रहे। जो दूर से खिलाड़ी आए थे उनको क्या कहना चाहेंगे? वो तो खुद भी प्रतिभाग कर रहे हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन। आप बताइए, यहाँ जितेंद्र पहलवान, शिवानंद पहलवान, और हमारे शिवाजी व्यायामशाला के, रेलवे स्टेडियम के पहलवान, पक्की बाग के, फिर धर्मपुर के पहलवान, सरहरी के पहलवान, गुड्डू पहलवान, ये सब पहलवान पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं राष्ट्रीय क्षितिज पर। तो ये पहलवान आए हैं, हमारे घर की शोभा बनाए हैं, उनके कला को लोग देखे हैं। पूरे दंगल में लगभग आपने रहा और देखा, सर कोई ऐसा दंगल जो जोड़ के हिसाब से हुआ हो, जैसे लग रहा था कि बहुत ही बेहतर दंगल पहलवान है और वो पराजित हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा दिल्ली वाले बच्चे रहे हैं, लेकिन ये है कि वो अपना हुनर दिखाए हैं। तो इसमें ये तो कुश्ती है, कुश्ती जैसे क्रिकेट है उसी तरीके से है, इसमें जो चूका हुआ गया। चलिए, और रहीकृत पूरा में लगभग 53 वर्षों से आयोजित होते चला आया दंगल प्रतियोगिता, जो आज पूर्ण रूप से संपन्न हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? सब ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सर? बड़ी खुशी हो रही है ये देख के कि हमारे भूतपूर्व प्रधान जी रामाज्ञान निषाद जी ये जो यहाँ की जनता का दिल जीत रहे हैं, और बड़े बड़े पहलवानों को दूर दूर से बुला के, दिल्ली से बुला के, और मेहतावत से बुला के, गोरखपुर जिला, बस्ती जिला, देवरिया जिला, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर से दूर दूर से पहलवानों को बुला के कुश्ती करवाया, जिसमें सबसे अच्छी कुश्ती शिवानंद मेहदावर की हुई है और दिल्ली के पहलवान की हुई है। और जनता देख के इस कुश्ती को इतना खुश हुई जनता कि प्रधान जी को लाखों लाख धन्यवाद पूरी जनता की तरफ से। प्रधान जी, लगभग मंडल क्या कह लिया जाए तो पूरे प्रदेश और पूरे भारत के यहाँ खिलाड़ी आए, लेकिन आपके गाँव के खिलाड़ी कितने रहे? हमारे गांव के खिलाड़ी, जब मैंने दंगल छोड़ दिया बाजना, तो हमारे वहाँ कोई पहलवान नहीं है। और पहले जो है पहलवान जो हम बाजते थे, तो 10-15 पहलवान बाजते थे लोग, हम बजाते थे उन लोगों को, 10 गांव के लोग यहाँ आते थे बाजने के लिए। हमें जो है मुलायम के समय में 40 किलो का जो है मोदर मिला था, और ये मिला था, और जिल ये ब्लॉक स्तर पर भागीरथी पहलवान जो कप्तानगंज बभनौली के थे, उनको 80 किलो का मोदर मिला था, सम्मानित किया गया था, हम लोग अखाड़ा चलाते थे। तो देख सकते हैं जहाँ दंगल हो रहा है वहाँ का कोई खिलाड़ी नहीं रहा, बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। क्यों आप लोग खिलाड़ी नहीं पैदा करते क्या यहाँ? जी, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। हम तो अपना जोड़ा लेकर आने वाले थे अखाड़ा में। मैं अपना जोड़ा एक लाठी रखा हूँ, उसी से मैं अपना कुश्ती करते हैं, उसी को भांजते हैं, उसी पर जो अपना गर्मी निकालते हैं, अपना जोड़ा हम रखे हैं। कहने की पछतावा है, चूंकि बहुत पुराने खिलाड़ी हैं दंगल के, और इनका कहना है कि क्षेत्र से कोई भी ऐसा बालक जो है वो जो दंगल में इंटरेस्ट नहीं लेता है और ना ही पहलवानी करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ दंगल तो होता है, लेकिन क्षेत्र में सुना है, क्षेत्र के लोग जो है दंगल यानी कि पहलवानी में भाग नहीं लेते हैं। युवाओं को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, सिर्फ यहाँ के युवा दर्शक ही बने रहते हैं। क्यों चाचा, सही कह रहे हैं कि नहीं? तो देखते रहे फास्ट प्रेस न्यूज, और पहलवानों के लिए जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।